दोस्तों, भगवान कृष्ण बताते हैं, कोई भी मनुष्य अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। श्री कृष्ण की ये बातें जो मनुष्य अपने जीवन में अपना लेता है तो उसे करोड़पति होते देर नहीं लगती। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण की वो बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए, जिसमें आपका ही फायदा है। दोस्तों, नंबर वन, गरुड़ पुराण की नीति सार में कहा गया है, भगवान कृष्ण भी बताते हैं, शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और छात्र एकता का सहारा लेना चाहिए। कुछ शत्रु हमें लगातार ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो हमें अपने व्यापार व पेशे अथवा किसी भी अन्य रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए पुराण में बताया गया है कि जैसा हमारा शत्रु होगा, ठीक उसी ढंग से उसकी पहचान करके उसके अनुसार हमें अपनी कुटिल योजनाओं का उपयोग करके उस पर काबू पाना होगा। दोस्तों, नंबर टू, यदि आप अमीर या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर एवं सुगंधित वस्त्र पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। ऐसे में ना उनके पास लक्ष्मी आती है और ना ही परिवार खुशहाल रहता है। उनके घर दरिद्रता का निवास सदैव हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धर्म और सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न रहते हैं, परंतु फिर भी गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। गंदा मनुष्य पापी योनि में जन्म लेता है। ऐसा पाप आप कभी ना करें। दोस्तों, नंबर थ्री, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में खड़ा रहता है तो मैं सदैव उसके साथ खड़ा होता हूँ। इसीलिए हमेशा व्यक्ति को प्रयास करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार बार बार जानबूझकर हार मानने वाले व्यक्ति, आलस्य व्यक्ति, पढ़ाई में मन ना लगाने वाले व्यक्ति, विद्या को ठुकराने वाले व्यक्ति नरक की यातनाएं भोगते हैं। दोस्तों, नंबर फोर, भोजन ही हमें ताकत देता है और भोजन ही हमें रोगी भी बनाता है। अर्थात भोजन ही हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमें आधी से ज्यादा बीमारी ही इसी वजह से ही होती है, परंतु यदि हम संतुलित भोजन करें तो हमें निरोगी काया प्राप्त होगी। इसीलिए हमें सदैव स्वच्छ संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसी भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और खून ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। दोस्तों, नंबर फाइव, एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से बखान किया गया है। जो प्राणी एकादशी का व्रत रखता है वो सभी प्रकार के दिव्य तथा चंद्रमा की शक्तियों से बच जाता है तथा उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। गरुड़ पुराण की ये बात आपको विजय प्राप्त करा सकती है। दोस्तों, नंबर सिक्स, तुलसी की महिमा का बखान लगभग सभी पुराणों में सही प्रकार से किया गया है। तुलसी के पौधे को घर में रखने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, ये पौधा जिस घर में होता है उस घर में सौभाग्य आने लगता है और कई रास्ते खुल जाते हैं। इसका प्रतिदिन सेवन करने वाले प्राणी को कोई भी रोग नहीं होता। श्रीहरि की पूजा के पश्चात तुलसी की पूजा करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर सेवन, गरुड़ पुराण के अनुसार देवी देवता या किसी धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में निश्चित रूप से पछताना पड़ता है। गरुड़ पुराण में मंदिर जैसा पवित्र स्थान पर गंदे काम करने वाले और अच्छे कामों में धोखा देने वाले तथा किसी के कहने पर उन्हें अपशब्द कहने वाले या धर्म शास्त्र तथा वेद पुराणों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को भिन्न भिन्न प्रकार के नर्क में कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप
श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है।